अब मैं आपको आशीष सिंह के पास लिए चलता हूं, मेरे एक और सहयोगी मौजूद है मेरे साथ। आशीष, आप अपने आसपास क्या देख पा रहे हैं, क्या दृश्य देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा लग रहा है मरीन ड्राइव पर आधा मुंबई उतर आया है। मेरे कैमरामैन मनोज आपको पैन करके दिखाएंगे ये माहौल। जो क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा था अमेरिका में, ब्रिस्बेन में, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिफाइंग माहौल यहां पर है। मैं गाड़ियों, इससे पहले कि मैं लोगों से बात करूं, मेरे कैमरामैन मनोज आपको दिखाएंगे किस तरह से गाड़ियों में झंडों के साथ में, तिरंगे के साथ में, यहाँ पर बच्चे बूढ़े सभी रास्ते पर आ गए हैं। और कई किलोमीटर तक यहाँ पर मैं लगभग बॉनखेड़े स्टेडियम के ठीक सामने वाले रास्ते पर, मरीन ड्राइव पर हूँ। यहाँ से मुश्किल से एक सवा किलोमीटर होगा एनसीपीए का वो टर्न जहाँ से टीम इंडिया का विजय जुलूस होगा। लेकिन ये देखिए, लोगों का तांता लगा हुआ है मरीन ड्राइव पर, लाखों की तादाद में एनसीपीए से लेके जो पूरा का पूरा मरीन ड्राइव है यहाँ पर लोग आ गए। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस को अपील करनी पड़ी कि यहाँ पर लोग ना आए। गाड़ियाँ मुश्किल से कुछ सेंटीमीटर मूव करती हैं कई कई मिनटों के बाद में। और ये वो रास्ता है जो सीधे वानखेड़े स्टेडियम के सामने से होते हुए एनसीपीए जाता है, जहाँ पर टीम इंडिया का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, और वानखेड़े स्टेडियम से लेकर मरीन ड्राइव तक लगभग एक सा दृश्य नजर आ रहा है। हर तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं, हजारों हजार लोगों की मौजूदगी है और उनका इंतजार है कि कब ये जो विश्व चैंपियन वाली टीम है कब वापस लौटेगी, कब उनके वो दीदार कर पाएंगे। और लोगों के हाथों में तिरंगा आप देख रहे हैं, वो विश्व विजय तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा वाली जो कविता थी वो इस वक्त याद आ जाती है। राकेश जी, आप उस वक्त अपनी बात कुछ कह रहे थे, अधूरी रह गई थी आपकी बात। मैंने देखा कि एक बच्चे ने पोस्टर लिया हुआ है जिसपे लिखा था वी हैव वन द वर्ल्ड कप। मतलब कि हर व्यक्ति ये फील कर रहा है कि उसने ये वर्ल्ड कप जीता है। तो ये जो भावना है, इसी वजह से लोग यहाँ पर पूरे पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं। देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, छोटी उनकी लड़कियां भी हैं। हर मतलब ऐसा अद्भुत नजारा है कि मुझे लगता है कि इस बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को देखिए जरा, इस कॉलेज के स्टूडेंट्स लग रहे हैं। बिल्कुल, इन क्षणों के लिए कोई भी क्रिकेटर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। इतना प्यार मुझे लगता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे ऐसा नजारा यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए, पुलिस की गाड़ी जो है वो ही फंसी हुई है पब्लिक, पुलिस लिखा हुआ है, आसपास इतने लोग हैं कि वो लोग भी नहीं निकल पा रहे वहां से। वाकई में अद्भुत दृश्य है ये मरीन ड्राइव पर आप जो देख रहे हैं, शायद ही कभी किसी ने इस तरीके का दृश्य देखा होगा। समंदर के किनारे जहां पर लोग शाम के वक्त घूमने फिरने पहुंचते हैं, आज आप देख रहे हैं सड़कों पर क्या आलम है, लाखों लोगों की मौजूदगी है। और पीछे आप देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला, क्योंकि जो लोग इस रास्ते से अब गुजरना चाह रहे होंगे शाम के वक्त में, दफ्तर से घर पहुंचते हैं, सब जहां तहां फंसे हुए हैं। अब इंतजार इन खिलाड़ियों का चल रहा है कि T20 के जो ये विजेता हैं, जो हमारे ये विश्व विजेता टीम के लोग हैं, वहां पर पहुंचेंगे, उनका दीदार किया जाएगा। और सही में राकेश जी, आप ये कह रहे हैं कि इस सम्मान के आगे सब कुछ बेकार है। और मुझे तो लगता है कि रोहित शर्मा से फिर से अपील एक करवानी पड़ेगी कि भैया थोड़ा सा जगह दे दो ताकि टीम वानखेड़े स्टेडियम तक पहुंच सके जी, क्योंकि उसकी अपील के बिना मुझे नहीं लगता कि किसी और की अपील आज काम करेगी। हाँ, ये सवाल तो है। वैसे विवेक, आप वहीं मौजूद हैं वानखेड़े स्टेडियम के पास ही, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, हमारे ये योद्धा जो है वहां से गुजरेंगे कैसे? सही इंतजाम रहे, चूंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस भी अपील कर रही है अब लोगों से कि आप उधर ना आए, मरीन ड्राइव की तरफ ना आए, पहले ही बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। तो इंतजार चल रहा है इन विश्व विजेताओं का, इन सुरमाओं का, इन योद्धाओं का कि कब एयरपोर्ट से बाहर आएंगे और उसके बाद जो उनका काफिला होगा, जब खुली बस में वो नजर आएंगे, कैसे लोग उनके दीदार कर सके, कैसे लोग उनका स्वागत करेंगे। मेरे साथ नम्रता भी लगातार मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। नम्रता जी, बिल्कुल, यहाँ पर हम मौजूद हैं ऑन ग्राउंड और हम भी सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आखिर इतनी ज्यादा भीड़ में से ये बस गुजरेगी कैसे, क्योंकि जहां जहां आपकी नजरें जाएंगी आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे और ये लोग खुशी से इंतजार कर रहे हैं कि कब आखिर उनके जो हीरो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। क्या कुछ कहेंगे, इंतजार लंबा हो रहा है? बहुत लंबा हो रहा है इंतजार अभी, लेकिन इंतजार करते रहेंगे आप लोग? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, एंड तक करेंगे, एक झलक के लिए प्लेयर के। यहाँ पर देखें कि सड़कों के बीच में तो लोग हैं, सड़कों के किनारे जो डिवाइडर है वहाँ पर भी लोग बैठे हैं और उतना ही उत्साह, उतना ही जोश यहाँ पर
पोस्टर्स लेकर लोग पहुंचे हैं, तो जो बस है वो यहाँ से कैसे गुजरेगी उसको लेकर एक सवाल जो है वो हमारे मन में भी आ रहा है, क्योंकि जहां जहां जा रहे हैं कदम कदम पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन किसी के मन में भी गिला नहीं है, क्योंकि इंतजार है उन योद्धाओं का जो विश्व विजेता बनकर आ रहे हैं और मुंबई की जमीन उनका इंतजार करिए। क्या कहेंगे आप लोग, का इंतजार लंबा हो गया? लेकिन बहुत लंबा हो गया है, पर अच्छा है, अच्छा लंबा है, अच्छा है। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? टाइम हो गया चलेगा अपन, जिसको जिसको टाइम नहीं हो घर पे चले जाए, हम लोग रात भर रहेंगे, जितना भी टाइम हो चलेगा। मुंबई की भाषा में ये लोग कहते हुए कि भले जितना समय लग जाए वो वहाँ डटे रहेंगे, जब तक उनके ये खिलाड़ी उनके हीरो यहाँ ना पहुँच जाए, जब तक वो उनके दीदार ना कर ले, ये लोग यहाँ से खिसकने वाले है नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।